हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास फोर, सब्जेक्ट मैथ, एक्सरसाइज 16 जी, पेज नंबर है जी 136। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इसमें लैंग्वेज के क्वेश्चन है। अपनी बुक खोल लीजिए आप अपने पास और ध्यानपूर्वक अपनी बुक में देख के समझते हुए चलेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे और जो क्वेश्चन आसान है वे आपके लिए दे देंगे, ठीक है, उन्हें आप सॉल्व करना। वल्साला हैज 2 कप ऑफ मिल्क एवरी डे। जो वल्साला है वो रोजाना 2 कप दूध लेती है। इफ 1 कप होल्ड 150 ml, यदि 1 कप में 150 ml दूध आता है, हाउ मच मिल्क डज सी हैव इन 1 month, यानी कि वो 30 दिन में कितना, 1 महीना या 30 दिन में कितना दूध लेगी। रोजाना स्टूडेंट वो कितना दूध लेती है, 2 कप, और 1 कप में कितना आता है, 150, तो 2 कप में कितना आएगा, 300, तो 1 दिन में कितना लेती है, 300 ml लेती है, तो 30 दिन में कितना लेगी। तो स्टूडेंट हम इसे 300 ml को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्टूडेंट 3 3 9 और 2 जीरो उसकी, 300 की 1 जीरो 30 की, तो स्टूडेंट 900 ml होगा, है ना। 900 ml 1 लीटर में, यानी कि 1000 ml है उससे 1 लीटर बन जाते हैं। तो स्टूडेंट 3 से कितने होंगे, 300 ml लीटर, वो 9 हो गए ना, तो 9000 ml से कितने हो जाएंगे, 9 लीटर। ओके, तो इसे इस प्रकार करना था आपको, कर लियो, आसान है ये। पहले ml में आंसर आएगा, फिर उसे लीटर में चेंज करना, बस इतना ही करना आपको। एन आइसक्रीम वेंडर हैज 300 ml कप। स्टूडेंट एक आइसक्रीम विक्रेता है, उसके पास 100 ml के 30 कप है और 150 ml के 40 कप है। ओके स्टूडेंट, और जो उसके पास ब्रिक्स है वो 1 लीटर की 6 है और 500 ml की 5 है। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच आइसक्रीम सी डिड हैव इन ऑल, तो उसके पास सारी आइसक्रीम कितनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कैसे होगा, आइसक्रीम इन 1 कप इक्वल टू 100 ml, एक कप में 100 ml आइसक्रीम आ गए, तो 100 ml के कप टोटल कितने हैं स्टूडेंट, उसके पास 30। आइसक्रीम इन 30 कप्स इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3 × 3 = 1 2 3 0। तो स्टूडेंट 3000 ml हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आइसक्रीम इन 1 कप पर 150 ml, जो स्टूडेंट 150 ml के कप है कितने हैं, आइसक्रीम इन 40 कप्स इक्वल टू 150 × 40, तो स्टूडेंट 50 × 60, 1 जीरो ही है, 1 जीरो ही है, तो स्टूडेंट 600 ml हो गए, ठीक है जी। आइसक्रीम इन 1 ब्रिक्स इक्वल टू 1 लीटर, 1 ब्रिक्स में आइसक्रीम कितनी आती है, 1 लीटर। आइसक्रीम इन 6 ब्रिक्स इक्वल टू 1 × 6 इक्वल टू 6 लीटर। ओके स्टूडेंट, या लीटर और या 6000 ml। ओके स्टूडेंट, यानी कि 1 लीटर में कितना होता है, 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो 6 में कितने होंगे, 6000 ml हो जाएगा। स्टूडेंट सब ml में है, तो ये लीटर में, तो हमने अभी ml में ही चेंज कर लिया, ठीक है। अब है जी आइसक्रीम इन 1 ब्रिक्स इक्वल टू 5 ml,
500 ml, जो एक मिक्स है उसमें 500 ml आती है। दो तरह के हो सकते हैं ना भाई, एक बड़ा एक छोटा, तो ये इसके पास दूसरा साइज था छोटे वाला। आइसक्रीम इन 5 ब्रिक्स इक्वल टू 500 ml मल्टीप्लाई 5, तो इक्वल टू कितना हो जाएगी, 5 × 5 = 25 और 1 × 2 = 0 ये है। तो स्टूडेंट ये हो गया, तो 2500 ml आंसर आ गया इसका, है ना। तो स्टूडेंट टोटल आइसक्रीम कितनी होगी हमारे पास, एक तो हमारे पास ये होगी 3000 ml, एक 6000 ml होगी, एक स्टूडेंट हमारे पास 6000 ml होगी, एक हमारे पास 2500 ml होगी। अभी इन सबको हम इन्हें प्लस कर लेंगे, तो स्टूडेंट लिखते हैं टोटल आइसक्रीम इक्वल टू, टोटल आइसक्रीम कितनी होगी हमारे पास स्टूडेंट, 3000 + 6000 + 2500 ml। अब इस हम प्लस कर देंगे, देखिए 0 की 0, 0 की 0, 5 × 5 = 0, 0, 5। ओके स्टूडेंट, अब 6 × 6 = 12 × 2 = 14, 14 × 3 = 17 ml आंसर। तो स्टूडेंट 17500 ml इसका आंसर आ गया, है ना। अगर आप इसे लीटर में चेंज करना, या तो आप इसमें रह लेंगे 17500, अगर आप इसे लीटर में चेंज करेंगे, हमने बता रखा था आपको ml 3 डिजिट में होता है, तो 1, 2, 3 तो हो गए स्टूडेंट ml, यानी कि राइट साइड ml होता है, और यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगा लें तो स्टूडेंट यहाँ पे हो जाते 17 लीटर, तो 17 लीटर 500 ml आइसक्रीम हो गई। ओके स्टूडेंट, अपर लीटर में लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप इसे ml में ही रह लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 3, 3 तो ये हो गया। अब है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट ए पेंटर यूज 5 लीटर 250 ml पेंट फॉर पेंटिंग द फैंसी ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड पार्क, हाउ मच मोर पेंट वुड ही नीडेड फॉर द रेस्ट ऑफ द फैंसी। स्टूडेंट ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्क्वायर पार्क है, स्क्वायर शेप्ड, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, उसकी एक पेंटर ने जो उसकी वन साइड की दीवार थी उस पर पेंट कर दिया, और उसमें उसने 5 लीटर 250 ml पेंट खर्च किया। तो स्टूडेंट जो बची हुई दीवारें हैं तो कितनी दीवार बचेंगी, एक साइड पर तो उसने कर दिया तो 3 बच गई उसके पास, है ना। तो 3 पे भी उतना ही पेंट लगेगा जितना एक पेंट एक दीवार पे लगा, तो 4 पे, यानी कि जो वर्ग होता है उसमें 4 भुजाएं होती है स्क्वायर में, तो 4 पे उतना ही पेंट लगेगा सेम जितना एक में लगा, है ना। तो स्टूडेंट या तो हम जो बची हुई 3 दीवार है उस पे इसे 500 250 को 3 ऊपर नीचे लेके 3 बार प्लस कर दे तभी वही आंसर आएगा। पर स्टूडेंट अगर हम किसी डिजिट को बार बार प्लस करना चाहते हैं तो जितनी बार प्लस करना चाहते हैं उससे उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट 4 जो वॉल्स थी उसकी दीवार थी फैंसी की, तो उसमें से एक तो हो गई, अब बची कितनी पास आपके 3, तो आप क्या करेंगे 5 × 250 ml को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, है। और अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 25 × 3 = कितना हो जाएगा, वो 250 × 3 = हो जाएगा 750, और स्टूडेंट और 5 × 3 = 15 है, तो आंसर आ जाएगा इसका 15 liter 750 ml आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, ये बहुत आसान है, कर लेंगे आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं।
ए टी स्टॉल ओनर यूज 20 ml ऑफ मिल्क टू मेक 1 cup ऑफ टी। एक दुकानदार चाय का दुकानदार है जो 1 cup चाय बनाने के लिए 20 ml दूध का प्रयोग करता है। ही बोट 12 liter ऑफ मिल्क एंड मेड 500 cup ऑफ टी। जो दुकानदार है उसने 12 लीटर दूध खरीद लिया और 500 कप चाय बनाई। हाउ मच मिल्क वॉज ही लेफ्ट विद, तो बताइए स्टूडेंट उसके पास कितना दूध बचा। ठीक है जी, तो कैसे करेंगे देखिए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 3 है पहले उसे समझ लीजिए, वो करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रह गया आपका। मिस्टर कदम हैज 3 spoon ऑफ मेडिसिन एवरीडे। जो मिस्टर कदम है वो रोजाना 3 चम्मच दवाई के लेता है ना। और 1 चम्मच में जो दवाई आती है वो 5 ml आती है 1 चम्मच में। कितनी चम्मच लेता है रोजाना? 3 चम्मच लेता है ना, स्पून 3 spoon एवरी डे। तो स्टूडेंट हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ मेडिसिन डज ही हैव इन 30 days। तो स्टूडेंट वो 30 दिन में यानी कि 1 month में कितनी मेडिसिन लेगा। तो स्टूडेंट क्या करना होगा, पहले हमें 1 दिन में निकालना होगा 1 दिन में कितनी लेता है। 1 चम्मच में कितनी आती है 500 ml, अर्थात 3 में कितनी हो जाएगी 3 × 5 = 15 ml है ना। और तो 30 दिन में कितनी हो जाएगी स्टूडेंट देखिए हम इसे कैसे करेंगे और आगे भी समझ लीजिए पहले, फिर बाद में कराते रहेंगे। इफ 1 bottle हैज 150 ml, ये स्टूडेंट जो एक बोतल है उसमें 150 ml दवाई आ गया है। हाउ मैनी बोतल ऑफ मेडिसिन डज ही बाय एवरी डे, तो उसे प्रत्येक महीने कितनी बोतल खरीदनी होगी। ठीक है जी, तो देखते हैं। मिस्टर कदम टेक मेडिसिन एवरी डे इक्वल टू 3 spoon, 1 spoon इक्वल टू 500 ml, ओके स्टूडेंट, यानी कि 5 ml आता है 1 चम्मच में। टोटल मेडिसिन ही टेक एवरी डे, रोजाना वह कितनी मेडिसिन लेगा, 3 × 5 = 50। तो स्टूडेंट वो 15 ml मेडिसिन लेगा। ठीक है जी, तो ही विल टेक मेडिसिन इन 30 days। तो स्टूडेंट वो 30 दिन में कितनी लेगा, 1 दिन में 15 लेता है, 30 में कितनी लेगा, अधिक मोर, तो 15 × 30 = 15 × 3 = कितना होता है 45। और ये 0 है, इसमें भी 0 यहां की मिल रही है। तो स्टूडेंट 1 महीने में उसे चाहिए 450 ml मेडिसिन। ठीक है जी, तो द मेडिसिन इन 1 bottle 150 ml, एक बोतल में कितनी आती है 150 ml आती है। तो नीडेड मेडिसिन इन 1 month, तो स्टूडेंट तो इसलिए 1 महीने में हमें जो दवाई चाहती है वो कितनी चाहती है 450 ml। ओके स्टूडेंट, सो नीडेड द बोतल इन द 1 month, तो इसलिए हमें 1 महीने में कितनी बोतलें लेनी चाहिएगी। तो स्टूडेंट 450 और डिवाइड बाय 150
तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 450 को और 150 से डिवाइड कर देंगे, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, 15 × 15। मान लीजिए 0 से 1 किलो काट दिया आपने, है ना, ये 0 से कट गई, तो स्टूडेंट ये रहेगा 45 और 15 रह गए, 15 × 15, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, तो स्टूडेंट कितनी चाहिएगी, 3, तो ये इससे कट के 3 आंसर आ गया, 3 बोतल, BOTTLES आंसर, तो स्टूडेंट 3 बोतल आंसर आ गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको समझा चुके हैं, पेट्रोल वाला इसे आप सम कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमने आपको समझा दिया, ऐसे करके दिखाना है बस, है ना। तो देखिए, नीडेड मिल्क फॉर 1 कप टी, 1 कप चाय के लिए कितना दूध चाहिए, आवश्यकता होती है 1 कप, 1 कप बना, 1 कप चाय बनाने के लिए हमें कितने दूध की आवश्यकता होती है, 20 ml। और ही मेड टोटल चाय, उसने टोटल कितनी चाय बनाई स्टूडेंट, 500 कप बनी, है ना। सो द यूज मिल्क फॉर 500 कप, है तो उसे 500 कप चाय बनाने के लिए कितने दूध की आवश्यकता होगी स्टूडेंट, 500 × 20, है ना, और 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10 स्टूडेंट, 1 2 3 3 0 है एम, इतने दूध की उसे आवश्यकता होगी स्टूडेंट। ओके, ही बोट मिल्क, उसे दूध कितना खरीदे स्टूडेंट, 12 लीटर, 12 लीटर खरीदा, एम एल इधर है, यूज मिल्क स्टूडेंट उसने कितना दूध यूज किया, इतना एम एल किया, है ना स्टूडेंट। और आप जानते हैं जो एम एल होता है उसमें शुरू के जो 3 डिजिट होती है वो तो होती है एम एल, और जो बाद की होती है वो सब होती है लीटर, ठीक है। तो 1 2 3, तो स्टूडेंट ये तो हो गई हमारी लीटर, अब जो बचे आगे में हो गए मिली लीटर, तो स्टूडेंट अभी लगभग लगा के लीजिए और इसे ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अब इसे माइनस कर देंगे, यानी कि जो एम एल है उन्हें हमें पहले लीटर में चेंज करना होगा माइनस करने के लिए, ठीक है। तो हमने इन्हें लीटर में चेंज कर लिया, अब ये हमारे बनिया एम एल थी हमारे, तो हमने ये लीटर बना लिए, तो इसमें 10 लीटर हो गए और एम एल 0 हो गए स्टूडेंट, अब इन्हें हम माइनस कर देंगे, 0 0 0, यहाँ क्या हो, तो जी 0 0 0, और 2 में से 0 गए 2 और 1 में से 1 गए 0, तो लेट में यानी कि दूध की तरफ से स्टूडेंट हमारे पास 2 लीटर की 0 ml, यानी कि 2 लीटर दूध बच गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6। सिक्स क्वेश्चन बुक में देखिए, एन अडल्ट नीडेड टू टेक इन 3 लीटर 500 ml ऑफ वाटर एवरी डे, एक जो अडल्ट व्यस्त व्यक्ति है उसे रोजाना 3 लीटर 500 ml पानी की आवश्यकता होती है पीने के लिए, और 1 लीटर 250 ml गोज इनटू द बॉडी विद द फूड एवरी डे, पानी के साथ में जो भी वो खाना खाता है उसके साथ जो पानी जाता है वो 1 लीटर 250 ml रोजाना चला जाता है, है ना। हाउ मच वाटर शुड एन अडल्ट ड्रिंक एवरी वीक, तो उसे स्टूडेंट पूरे सप्ताह में कितना पानी पीना चाहिए, ठीक है। पहले तो स्टूडेंट हम ये देख लेते हैं उसे एक दिन में पानी कितना पीना चाहिए, 150 ml तो उसने भोजन के साथ ले लिया रोजाना, तो स्टूडेंट उसे जो आवश्यकता कितने की थी, 3 लीटर 500 ml की थी, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, 300 500 ml में से 1 लीटर 250 ml को माइनस कर देंगे,
ओके स्टूडेंट, अगर हम 500 में से 250 माइनस करें तो 150 ही रहेगा, और हम इसे 2 में से 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आएगा। तो स्टूडेंट रोज पानी की आवश्यकता कितनी होगी, 2 लीटर जी 250 ml रोजाना पानी की आवश्यकता है। अरे 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, एक सप्ताह में 7 दिन होता है, एक दिन में तो उसे इतने चाहिए, और 7 दिन में कितने चाहेंगे, यानी कि 1 वीक या तो 7 डेज कह लो या 1 वीक कह लो एक ही बात है, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, है ना। अगर हम 250 को 2 लीटर और 250 ml को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 750 ओके स्टूडेंट 1 के लिए लग जाएगा इसमें, और अब इसे 7 7 2 14 और 1 कैरी था तो 15, तो स्टूडेंट 15 लीटर और 750 ml उसे 7 दिन में पानी की आवश्यकता होगी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, जैस्मिन वांट टू सर्व 150 ml जूस टू ईच ऑफ 15 गेस्ट। जो यास्मीन है वो 15 मेहमान आ रहे हैं उसके पास, गेस्ट माने मेहमान आ रहे हैं, और एक मेहमान को वो यानी कि एक 1 गेस्ट को वो 150 ml जूस देना चाहती है। ओके स्टूडेंट 15 है उसके पास, हाउ मैनी ml 500 ml कार्टून ऑफ जूस शुड सी बाय। उसे 500 लीटर की बोतल आती है जिसमें 500 ml जूस आता है स्टूडेंट, वो आती है एक बोतल, तो उसे 500 ml के कितने कार्टून खरीदने होंगे जो हर एक गेस्ट को 150 ml वो दे दे, और स्टूडेंट उसके पास कितना जूस बच जाएगा। ठीक है जी, ये पूछ रहा है, तो जी देखते हैं इस क्वेश्चन को। द जूस फॉर 1 गेस्ट, एक मेहमान को जूस चाहिए 150 ml, नीडेड जूस फॉर 15 गेस्ट, यानी कि जो 15, सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये देखना होगा ना कि हमें कितने जूस की आवश्यकता है 15 गेस्ट के लिए, उसके अनुसार ही हम बोतल फिर परचेज करेंगे, है ना। तो नीडेड जूस फॉर 15 गेस्ट इज इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई 15। ओके स्टूडेंट 15 स्टूडेंट हमने 2250 ml की जूस की आवश्यकता होगी, है ना। और जी 1 कार्टून जूस हैज जूस इक्वल टू 500 ml, यानी कि जो एक कार्टून है जूस का उसमें कितना जूस आता है 500 ml आता है। ओके स्टूडेंट सो नीडेड कार्टून